उपचुनाव के हलचल के बीच खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबल योजना के बहाने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बताते हुए मरने वालों के परिवार को मुआवजा ना देने पर भी शिवराज सरकार का घेराव किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव की हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र की मानधाता विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। पुनासा में हुई सभा में कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी को महंगाई और कोरोना महामारी के मुद्दे पर घेरते हुए जमकर निशाना साधा। चाहता हूं कोविड में कितने लोग मरे, शिवराज सिंह जी कितनी ऑक्सीजन आपने पहुंचाई, कितनी रेमडेसिविर की इंजेक्शन पहुंचाए। हमारे बुरहानपुर में 1625 लोगों की मृत्यु हो गई, खंडवा में लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई, खरगोन में लगभग 6000 लोगों की मृत्यु हो गई और देवास में लगभग 7000 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बारे में भी बताइए, कितनों को मुआवजा मिला? ऑक्सीजन तो नहीं दिया, इंजेक्शन तो नहीं दिया, पर मुआवजा तो दे दीजिए। कोई बता सकता है किसको मुआवजा मिला हुआ? ये बिल्कुल ये लंबी चौड़ी बात करेंगे। और कहते थे कोविड नहीं है, ये कोरोना नहीं, ये डरोना है। मुझे कहते थे ये कोरोना नहीं, डरोना है। मैं कहता इनको सावधान करता रहा कि ये वेव आने वाला है, चिंता नहीं। और मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूं, हमारा व्यापारी जीएसटी नोटबंदी कर दी, कहा 15 लाख रुपए आने वाले हैं और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी भी अच्छे कलाकार हैं, शिवराज जी ने उनसे सीखा या मोदी जी ने शिवराज जी से सीखा मैं जानता नहीं, पर दोनों अच्छे कलाकार हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कमलनाथ ने सीएम शिवराज और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों को ही बड़ा कलाकार बताया। कुछ भी घोषणा, 22,000 घोषणाएं करी है शिवराज सिंह जी, 22,000 घोषणाएं, और अभी भी बाद नहीं आएंगे। ये देख नहीं सकते नौजवानों, जो भटक रहा है उसको देख नहीं सकते, इनकी आंखें नहीं चलती, जो किसान न्याय के लिए चिल्ला रहा है ये सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, कुछ भी बोलवा लो। तो शिवराज सिंह जी के बारे में जितना मैं कम कहूं उतना ही अच्छा है। आपने अच्छी तरह पहचान लिया, अभी आएंगे तरह तरह कहेंगे मेरी संबल योजना। अरे छोड़िए संबल योजना, जितना भ्रष्टाचार था संबल योजना में, सही था, कितना भ्रष्टाचार था। आप तो संबल योजना का उपयोग करते थे अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए। मैंने 100 रुपए सरू में बिजली करी, कोई भी आ जाए तो ये अंतर है। ये तो सिस्टम बना लिया था शिवराज सिंह जी ने, पैसे दो काम लो, और बड़ा ठेका हुए या पटवारी हुए या तहसीलदार हुए, सही बात है, पैसे दो काम लो। ये ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव की हलचल के बीच अब सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, जहां एक बार फिर कमलनाथ ने सीएम शिवराज और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।